नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन संस्थान परीक्षा प्लस में। मैं आलोक शुक्ला, आज आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट नोटिस और बहुत ही अच्छी खुशखबरी भी लेके आया हूँ। ऐसे बच्चे जो कंप्यूटर एप्लीकेशन से BCA, MCA या BSc फिजिक्स वाले, इन सब के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी SSC की तरफ से आया है। SSC और भारतीय मौसम विभाग की तरफ से, IMD की तरफ से। हो सकता है आपने नोटिफिकेशन पहले देख लिया हो, लेकिन इसको कैसे क्या करना है, ये सारे क्वेश्चन जो आपने थंबनेल में देख लिया होगा यहाँ पे हैं। इन सारी चीज़ों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए और एक तैयारी की नई दिशा आपको इस वीडियो से मिलने वाली है। यदि आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि SSC या फिर कोई भी अब टेक्निकल परीक्षा होगी, टेक्निकल परीक्षा जैसे कि ITI से लेके इंजीनियरिंग परीक्षा तक की परीक्षा प्लस, उसके लिए एक अलग से ही पूरा जो चैनल है, पूरा प्लेटफॉर्म तैयार किया है और बहुत विधिवत उसकी तैयारी कराई जाएगी, जिसकी लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। हम लोग आते हैं SSC IMD साइंटिफिक असिस्टेंट के पद की मैं बात कर रहा हूं, जो 990 पद इस बार लगभग 1000 बोलेंगे। इससे पूर्व में ये परीक्षा 2017 में एक बार जो आया था, 2017 में इससे पहले हो चुका है एक पेपर, और 2017 के बाद 5 साल बाद ये दोबारा आया है और वैकेंसी लगभग सेम है। पिछली बार 1100 वैकेंसी थी, इस बार बच्चों 990 यानी कि 1000 वैकेंसी आप बोल सकते हो। इतनी वैकेंसी कम नहीं होती, बहुत अच्छी वैकेंसी है। और जब आपके लिए फिल्टर्ड वहाँ पे क्या हो जाए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन हो, तो सबसे पहले हम लोग जिक्र करेंगे, यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे, बात करेंगे कि आखिर मौसम विभाग में साइंटिफिक असिस्टेंट है क्या, इनके कार्य क्या होते हैं, इनका चयन कैसे होता है। कुलपद की बात करूं तो कुलपद आपको यहां पे पता ही है कि 990 कुलपद कितने हैं बच्चों, यहां पे 990 पद हैं इसके लिए, और ये 990 पद बहुत ज्यादा पद होते हैं। मौसम विभाग, जिसे IMD भी बोलते हो, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिसे बोलते हो, IMD बोलते हो, SSC इसकी परीक्षा करवा रही है। हालांकि ये विभाग अलग है, ये कोई मंत्रालय की पोस्ट नहीं है, जबकि एक साइंटिफिक असिस्टेंट की पोस्ट है। और इसके बाद फिर यहाँ पे ये ग्रेड वाइज चलता है, ग्रेड 2 ग्रेड 1 होता है, उसके बाद फिर आपका क्या होता है, फिर सीधा साइंटिफिक असिस्टेंट पे आ जाता है, साइंटिफिक असिस्टेंट से फिर साइंटिफिक ऑफिसर पे आ जाता है। तो ये आपको मैं बता दूं, अभी 4200 ग्रेड पे की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है। इतना आप समझो कि ये जो ग्रेड लगता है, ये ग्रेड ग्रुप बी लगता है ना, ग्रुप बी की या ग्रेड बी की जॉब है, बहुत अच्छी जॉब है, इस बात को आप समझते हुए चलना। हालांकि इसके डिटेल में हम लोग देखते हैं किसे फॉर्म भरना चाहिए, किसे फॉर्म भरना चाहिए और किसकी तैयार किसे तैयारी करना चाहिए, इन दोनों की चर्चा हम लोग इस बिंदु में करेंगे। तो ऐसे बहुत सारे बच्चे, मुझे पता है कि आप परीक्षा प्लस परिवार से जुड़े हो, जैसे BCA वाले, MCA वाले, या फिर आप ऐसे बच्चे जो फिजिक्स से BSc किए हो, फिजिक्स मैथ से या फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट से, या फिर ऐसे बहुत सारे इंजीनियरिंग और डिप्लोमा किए हुए बच्चे जो इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन टेली कम्युनिकेशन से CS IT इनसे जो आप किए हो, इन सभी के लिए बहुत अच्छा अवसर है। तो यहाँ पे अभी एलिजिबिलिटी पे मैं आपको बताऊंगा और क्यों भरा जाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही कम कंपटीशन में, बहुत ही कम कट ऑफ में आप इसको आराम से कर सकते हो। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि ये परीक्षा जो आपकी है, ये केवल एक सिंगल फेज परीक्षा है, एक परीक्षा होगी और डायरेक्ट आपका क्या हो जाएगा, सीधा वेरिफिकेशन करके मेडिकल होके आपका साइंटिफिक असिस्टेंट बन जाएंगे, और सैलरी भी आपकी 45,000 के आसपास, 4% DA भी बढ़ गया है, तो उस हिसाब से 38% DA से इंक्लूड करके करें तो 45,000 प्लस आपकी सैलरी, इन हैंड सैलरी पहली सैलरी आएगी, और ये बढ़ते बढ़ते आपके हर तीन से पांच साल में क्या हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है, 4200 से 4600, 4600 से 4800, 4800 ये आपका इस टेक्निकल असिस्टेंट के रूप में ये फाइनल है, उसके बाद सीधा क्या हो जाएंगे, साइंटिफिक ऑफिसर हो जाएंगे, फिर वो ग्रुप ए में आ जाएंगे, ग्रेड ए में आ जाएंगे, और वहां पे 6600 7600 ऐसे ग्रेड पे चलता है। तो बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत अच्छी ग्रोथ भी है। तो ऐसे सारे बच्चे जो कहीं ना कहीं वो जिनका ग्रेजुएशन कहीं ना कहीं कंप्यूटर से संबंधित है, एप्लीकेशन से संबंधित है, या फिजिक्स से संबंधित है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स टेलीकम्युनिकेशन से संबंधित है, उन सभी को ये फॉर्म भरा जाना चाहिए, भरना ही चाहिए। दूसरी बात, ये जो आपकी तैयारी है, अगर आप SSC CGL की तैयारी कर रहे हो तो आपकी उसकी तैयारी के बराबर ही है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर स्पेशल सब्जेक्ट की बात किया जाएगा। इसमें उम्र क्या है, सबसे अच्छी बात यह है कि उम्र में कोई मिनिमम नहीं है, आप 17 साल के हो, 18 साल के हो, 16 साल के हो, आप भर सकते हो।
मैक्सिमम जो है, मैक्सिमम एज जो इसने बोला है वो 30 साल बोला है। अब बस इतना ये दे दिया है कि आपका जो ग्रेजुएशन है वो फॉर्म के भरे जाने के लास्ट डेट के पहले पहले क्या हो जाना चाहिए, डिप्लोमा हो या ग्रेजुएशन हो, वो उसका मार्कशीट एटलीस्ट आ जाना चाहिए, प्रोसेस में नहीं होना चाहिए, तो आप भर सकते हो। ये भी मैं बता दूंगा आपको कि लास्ट डेट क्या है। अपियरिंग वाले भी इसमें भर सकते हैं, बस फॉर्म भरने के लास्ट डेट तक उनका रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो अपियरिंग वाले भी फाइनल ईयर के इसमें फॉर्म भर सकते हैं। पेपर ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, तो पेपर बच्चों ऑनलाइन होगा। पेपर में आपका टोटल 200 क्वेश्चन होगा, 200 क्वेश्चन में 100 क्वेश्चन आपका नॉन टेक होगा, इसे आप बोल सकते हो नॉन टेक, और जो 100 क्वेश्चन होगा ये क्या होगा, ये टेक होगा। तो दोनों का वेटेज बराबर बराबर है। ये पूरा आपका एसएससी के प्रीलिम्स का है, लेकिन अगर हम क्वेश्चन के लेवल की बात करें तो बहुत ही आसान पूछा जाता है, और ये जो टेक है ये बहुत ही बेसिक लेवल का पूछा जाता है। आगे मैं इसकी चर्चा करूंगा, बहुत ही आसानी से इसको निकाला जा सकता है। पैटर्न मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, सिलेबस क्या है जो आपका ये 100 क्वेश्चन का है, ये सिलेबस आपका सिमिलरली एसएससी के प्रीलिम्स जैसा ही है। जो टेक का है इसका सिलेबस की मैं चर्चा आपको कर दूंगा आगे। इतना आप समझो कि अगर आप 12th की फिजिक्स कवर कर लेते हो, या कोई बच्चा अगर बीटेक किया है तो बीटेक के जो फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में फिजिक्स, जो इंजीनियरिंग फिजिक्स होती है वो पढ़ाई जाती है, वहां से कवर हो जाएगा। या अगर आप बीएससी किए हो तो प्रथम वर्ष में ही जो आप फिजिक्स पढ़ते हो वो फिजिक्स से कवर हो जाएगा। मतलब ये भले ही आपका ग्रेजुएशन ले रहा है, बट ये 12th या फिर आपके ग्रेजुएशन के प्रथम और द्वितीय सेमेस्टर तक के सिलेबस को कवर करता है, और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछता है। जैसे अगर फिजिक्स में क्वेश्चन पूछता है तो न्यूटन्स लॉ पे क्वेश्चन पूछता है, यूनिट मेजरमेंट पे क्वेश्चन पूछता है, कहीं थर्मल या ऑप्टिक्स पे क्वेश्चन पूछता है तो बहुत ही सिंपल सा पूछता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर क्वेश्चन पूछता है तो FET, VJT इन सब से क्वेश्चन पूछता है, MOSFET से क्वेश्चन पूछता है, बेसिक बेसिक ही ग्रिम डेफिनेशन से क्वेश्चन पूछा जाता है, पीएन जंक्शन, डायोड, इनसे क्वेश्चन इलेक्ट्रॉनिक्स में पूछता है। और सीएस में आपका बेसिक सीएस, जैसे आप बहुत सारे बच्चे कंप्यूटर ऑपरेटर की तैयारी कर रहे हो, सेम सिलेबस है, केवल 2-3 पॉइंट एक्स्ट्रा है, बाकी सब कुछ सेम है। तो उसमें सिलेबस आप समझ सकते हो कंप्यूटर में कंप्यूटर ऑपरेटर वाला जो तैयारी कर रहे हो, बेसिक जो कंप्यूटर होता है उसमें बस थोड़े से लैंग्वेज, उसमें आपका फॉर्टन भी, जावा भी, C++, और आपका यूनिक्स लैंग्वेज में थोड़ा सा पूछेगा, और एक ग्राफिकल करके टॉपिक दिया है, वो दो पॉइंट अलग है, बाकी वही आपका इनपुट आउटपुट नेटवर्किंग, फिर आपका सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर, ये सारी चीजें आपका कंप्यूटर में भी वही रहेगा। रिजर्वेशन लिस्ट की इसमें चर्चा की गई है, तो सबसे बड़ी बात यह है कि इस वैकेंसी में क्या होता है कि 990 पद के लिए क्या होगा, जब आप ये पेपर आप देके आओगे तो इस वैकेंसी का 990 गुणे 3 गुना क्या होगा, पहले इससे पूर्व परीक्षा में 2 ही गुना बुलाए जाते थे, अब क्या है बच्चों की इस बार 990 का 3 गुना बुलाए जाएंगे, मतलब करीबन आप बोल सकते हो कि 3000 बच्चे है ना, 2970 बच्चे या 3000 बच्चे बोल सकते हो बुलाए जाएंगे। ये किसके लिए बुलाए जाएंगे, ये मेडिकल और वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, बहुत सिंपल सा वेरिफिकेशन होता है, जो बस आपकी कास्ट सर्टिफिकेट या आपका कोई ऐसी चीजें हैं सर्टिफिकेट, या कोई आप रिजर्वेशन रिलैक्सेशन ले रहे हो तो उसके भी यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट देना होता है, बाकी किसी की कोई जरूरत नहीं है। मेडिकल इसमें बहुत बेसिक होता है, जैसे सारे में होता है वैसे ही इसमें वेरिफिकेशन होता है, कुछ इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं रहता है, ना ही कोई फिजिकल है, ना ही कोई PET है, कुछ नहीं है इसमें, बहुत ही आसान है। तो आपको पेपर देना है और आपको मेरिट में आना है, और आपका क्या हो जाना है, चयन हो जाना है, ना ही कोई इंटरव्यू है, ना ही कोई डिस्क्रिप्टिव है, सब कुछ बहुत आसान है। लेकिन इसने क्या किया है, इस बार 50% रिजर्वेशन लिस्ट भी जारी किया है, जारी करेगा, मतलब कि 3000 बच्चे तो यहाँ पे वेरिफिकेशन के लिए बुलाए ही जाएंगे, प्लस वैकेंसी का 50%, मतलब 445 बच्चे और भी इसमें क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे। तो टोटल 3400 बच्चे क्या होंगे, सेलेक्ट होंगे, जिनका इनका DV होगा, और ये 435 रिजर्व रखे जाएंगे कि इनकेस इनमें से कोई छोड़ के जाता है या सिलेक्शन बाद में ज्वाइनिंग नहीं लेता है, तो इस रिजर्वेशन लिस्ट में से उनको क्या कर लिया जाएगा, फर्दर बुला लिया जाएगा। कहाँ होगी पोस्टिंग, इस पर हम लोग चर्चा कर ले, तो ये ऑल ओवर इंडिया, पैन इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है, लेकिन आप इसकी चिंता मत करो कि पोस्टिंग कहाँ पे हो रही है, आप ये देखो कि आपके पास साइंटिफिक का, साइंटिस्ट की आपको क्या है मिल रही है, जॉब मिल रही है, और साइंटिस्ट अपने आप में भारत में अगर सबसे ज़्यादा रेपुटेटेड कोई चीज़ है तो या तो वो राष्ट्रपति है या तो वो साइंटिस्ट है, इसके अलावा कोई बहुत ज़्यादा रेपुटेटेड, बाकी सब अपने उसमें होते, इन दोनों का कोई तोड़ नहीं है, और इनकी एक अलग ही गरिमा है, ठीक है। तो
एक साइंटिस्ट बनना बहुत बड़ी बात होती है, और एक बेसिक सा एग्जाम देके आप बीएससी किए हो, आप बीसीए किए हो, अगर साइंटिफिक का साइंटिस्ट का आपको दर्जा मिलता है तो बहुत बड़ी बात है। और यही नहीं, 10-15 साल में आप सीनियर साइंटिस्ट ऑफिसर हो जाओगे और वहां पे आपको ग्रुप ए मतलब कि आप आईएएस लेवल का जो बोल सकते हो उस लेवल की आपकी रुतबा होगी और वैसी ही आपकी सैलरी होगी और बहुत ही अच्छी आपकी जिंदगी होगी। रॉकेटरी पिक्चर देखे होगे तो उससे आप थोड़ा प्रेरणा ले सकते हो। प्रमोशन क्या है? प्रमोशन मैंने आपको बता दिया, हर 3-5 साल में प्रमोशन होता है। जैसे ये 4200 ग्रेड पे है, इसके बाद आपका 4600 ग्रेड पे होगा, इसके बाद 4800 ग्रेड पे होगा, और जैसे 4800 के बाद ऊपर जाएंगे वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, साइंटिस्ट ऑफिसर, साइंटिफिक ऑफिसर बन जाओगे, एसओ आप बन जाओगे। अभी यहां पे क्या है, साइंटिफिक असिस्टेंट है। तो हम लोग इसकी थोड़ा डिटेल में चर्चा कर लेते हैं, इतनी सारी चीजें हैं। फॉर्म इसके कब से भरे जाने हैं बच्चों, ये मैं आपको बता दूं, तो फॉर्म 30 तारीख से ऑलरेडी चालू है, ये फॉर्म भरे जा रहे हैं लेकिन 18 तारीख ही भरे जाएंगे। मैं ये बोलूंगा कि आप अंत समय का इंतजार मत करिए, आप जल्द से जल्द इसका फॉर्म भर दीजिए। 100 रुपए का फॉर्म है महिलाओं के लिए, और जो रिजर्वेशन वाले हैं उनके लिए कोई निःशुल्क है, फॉर्म भरने में कोई बुराई नहीं है, फॉर्म सभी लोग भर दो। और एक बात और समझना, एसएससी क्योंकि फॉर्म की फीस बहुत कम रखता है, निशुल्क रखता है, इस कारण में एसएससी में फॉर्म तो ज़्यादा पढ़ते हैं बट जो बच्चे पेपर देने जाते हैं वो 30-35% ही, 40% ही पेपर देने जाते हैं, इससे ज़्यादा बच्चे पेपर देने नहीं जाते इसमें, क्योंकि स्पेशल क्वालिफिकेशन है। मैं आपको बोल दूँ कि क्वालिफिकेशन क्या है, तो क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री इन साइंस फिजिक्स एज अ वन ऑफ द सब्जेक्ट, मतलब आपके पास कोई भी बैचलर डिग्री हो, बैचलर डिग्री में आप क्या हो सकता है, आपके पास बीएससी हो, बस क्या होना चाहिए, फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए, फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट होना चाहिए। इवन इसमें बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले भी, ये मैं आपको बता रहा हूँ, कहीं उसने मेंशन नहीं किया है बट आप अभी इसे फॉर्म भर दो, बीटेक इलेक्ट्रिकल वाले हूँ, इलेक्ट्रॉनिक्स वालों का तो अलग से ले ही लिया है, तो केवल इलेक्ट्रिकल वाले क्या कर रहे हैं, यहाँ पे कंफ्यूज है तो वो भर सकते हैं। बीटेक सिविल वाले में अभी थोड़ा सा संदेह है बट इलेक्ट्रिकल वाले क्योंकि ये पूरा वो फिजिक्स पढ़ते हैं और इस कारण से वो हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो क्योंकि इसने क्या बोला है कि बैचलर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, तो बीएससी कंप्यूटर साइंस भी होता है, बीएससी फिजिक्स से होता है, बीएससी मैथ से होता है, बीएससी और भी किसी सब्जेक्ट से आप कर रहे हो, इवन आप बायो से भी बीएससी होती है, बायो और फिजिक्स का भी चलता है, तो बायो और फिजिक्स या केमिस्ट्री और फिजिक्स भी आप लिए हो तो भी आप क्या कर सकते हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो और ये यहां पे आपका स्कोप बढ़ा देता है। उसके बाद बीसीए एमसीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि ये बैचलर की बात कर रहा है, तो हम बीसीए किए हैं लेकिन वो समकक्ष की बात किया है, तो इससे ऊपर वाले भी भर सकते हैं, लेकिन आपका क्या होना चाहिए, 10+2 में मैथ्स और फिजिक्स, मैथ्स और फिजिक्स क्या होना चाहिए, ये कैप है, ये आपका सब्जेक्ट होना चाहिए, मतलब 12th आप मैथ्स और फिजिक्स से किए हो, उसके बाद आप क्या किए हो, आपके ग्रेजुएशन में फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट है या फिर आप बीसीए जैसी कोई डिग्री है आपके पास, है ना, सर्टिफिकेट नहीं चलेगा यहाँ पे, ग्रेजुएशन के पूरा डिग्री की बात कर रहा है। और अगर इससे नीचे आओगे तो डिप्लोमा की बात कर रहा है, और डिप्लोमा में सभी को नहीं लेगा ये ध्यान देना, कंप्यूटर साइंस और ये जो कंप्यूटर एप्लीकेशन वाले हैं, आईटी वाले हैं, इनके लिए बैचलर डिग्री ही जरूरी है, और सबसे बड़ी बात है कि 60% इनके ग्रेजुएशन में 60% से ज्यादा, या फिर अगर उनका उसमें पॉइंटर पे बनता है तो 6 पॉइंटर से ज्यादा उनका होना चाहिए, 6.7 पॉइंटर से ज्यादा होना चाहिए, तो 60% होना चाहिए बाकी, या फिर वो नहीं है तो इलेक्ट्रॉनिक्स, डिप्लोमा केवल इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन वालों का चलेगा, बाकी डिप्लोमा वाले एलिजिबल नहीं है, ये बात आप समझिएगा। डिप्लोमा केवल इनका लिया है, डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस, डिप्लोमा आईटी इनका नहीं माना जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर साइंस और आईटी इनका क्या माना गया है, इनको आपका बैचलर डिग्री ही, 4 साल का कोर्स जरूरी है, है ना, 3 साल या 4 साल का कोर्स जरूरी है, डिप्लोमा में भी 3 साल का कोर्स होता है, बीएससी वगैरह एक्चुअली 3 ही साल की होती है, 4 साल नहीं होती है, तो ये 3 साल का होना चाहिए, बट डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस और आईटी और इनका नहीं चलेगा, ये क्लियर है मैं आपको बता दूं, ठीक है। बस ये ध्यान देना कि 10+2 में फिजिक्स और मैथमेटिक्स को सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये मेरे ख्याल से आप मैक्सिमम बता दिया हूं, बीएससी वाले, बीएससी चाहे कंप्यूटर साइंस हो, बीएससी चाहे फिजिक्स हो, बीएससी चाहे केमिस्ट्री हो, बीएससी चाहे बायो वाले किसी ग्रुप से हो वो भी कर सकते हैं, बीटेक और उनके कोई भी बीएससी में कोई भी मतलब एक फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट हो या कोई भी ऐसा हो ग्रेजुएशन में जिसमें फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट हो तो वो कर सकते हैं। बीटेक वाले में इलेक्ट्रिकल वाले अलाउ हैं, ईसीई वाले कम्युनिकेशन वाले भी अलाउ हैं, ठीक है, बीटेक सीएस वाले भी अलाउड हैं, बीटेक आईटी वाले भी अलाउड हैं, बीटेक क्योंकि यहाँ पे बैचलर डिग्री मान लिया है तो बीटेक सीएस आईटी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इलेक्ट्रिकल ये सारे ईएन भी होता है सबको क्या है एलिजिबल है, बाकी बीसीए वाले भी एलिजिबल हैं।
इसका पैटर्न क्या है मैंने आपको बता दिया, पार्ट वन एसएससी की तरह है, रीजनिंग 25 पूछेगा, मैथ्स 25 पूछेगा, जीएस 25 पूछेगा और इंग्लिश 25 पूछेगा। लेकिन रीजनिंग बहुत ही आसान लेवल की होती है, मैथ्स भी बहुत आसान लेवल की होती है, अरिथमेटिक का पार्ट इसमें ज्यादा होता है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में अरिथमेटिक टफ पूछा जाता है। इसमें अरिथमेटिक नॉर्मल ही आएगा, करा एसएससी रहा है, बट क्योंकि ये लीग से हटके पेपर है इस कारण से क्या हो जाएगा, क्या होता है, यहां पे क्वेश्चन थोड़े आसान पूछे जाते हैं। जीएस में भी क्या है, आपका पॉलिटी हिस्ट्री के क्वेश्चन ज्यादा देखे गए हैं, करंट्स के भी क्वेश्चन ज्यादा थे, तो यही तीन है। जीएस में एक पार्ट इसने अलग से एक मैथ्स की भी एक टॉपिक लिखा है, सिंपल मैथ्स, तो 25 क्वेश्चन में एक क्वेश्चन मैथ्स का भी होता है, वो आप यहां से पढ़ोगे तो यहां पे भी कवर कर लोगे, ये ध्यान दीजिएगा। बाकी सारी जीएस करंट पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी यही सब है, और यही से हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी से ज्यादा क्वेश्चन थे और करंट 4% से ज्यादा क्वेश्चन थे, बाकी सबसे छोटे छोटे थे। मैं पिछले वर्ष की बात करूं, इस वर्ष भी लगभग ऐसा ही रहेगा। इंग्लिश में आपका क्लोज टेस्ट और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में से कोई 5 क्वेश्चन हो सकता है, बाकी सारे आपका ग्रामर और वोकैब क्वेश्चन, वर्मर सब्स्टिट्यूशन हो गया, ईडम फ्रेजेस हो गया, या फिर आपका फिलर हो गया, वोकैब वेज, या फिर आपका सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, ये सारी चीजें आपके इंग्लिश में पूछता है। ग्रामर में एरर हो गया, इंप्रूवमेंट हो गया, पिक्यूआरएस हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और वॉइसेस भी आपसे पूछता है, आपके सिलेबस में है। मैथ्स मैंने आपको बता दिया, मैथ्स में डीआई भी होता है, इसमें 3 से 5 क्वेश्चन क्या हो सकता है, ग्राफ और चार्ट पे क्वेश्चन हो सकता है, बाकी बचे आपके 21 से 22 क्वेश्चन ही, वो आपके अरिथमेटिक पोर्शन ज्यादा होते हैं, बाकी इसमें ट्रिग्नोमेट्री और 1-2 क्वेश्चन अलजेब्रा के भी देखने को मिले थे पिछली बार, तो उससे भी पूछता है। सिलेबस में लगभग सारी चीजों का जिक्र किया है जैसे एसएससी सीजीएल में है। पार्ट टू की हम लोग बात करते हैं, सबसे ज्यादा बच्चे यहाँ पे परेशान हो रहे हैं, तो पार्ट टू में बच्चों क्या है, फिजिक्स है, ये 12th लेवल की मैं बोलूंगा। अगर 12th में आपने पूरी फिजिक्स अच्छे से पढ़ ली है तो आपको एक भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो बच्चे इंग्लिश सीबीएसई बोर्ड वाले हों या यूपी बोर्ड वाले भी हों, जैसे भी हों, अगर वो कोई रेफरेंस बुक लिए होंगे जैसे एबीसी या प्रदीप पढ़े होंगे, किताब चलती थी 12th में, तो वो उससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं होगा। नहीं कुछ है तो आप एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ लो, क्योंकि एनसीईआरटी थोड़ा उस लेवल में कंज्यूम नहीं कर पाए थे, बट अब आप एनसीईआरटी पढ़ोगे तो एनसीईआरटी समझ में आ जाएगा। हालांकि आपको परेशान नहीं होना, टीम इसके लिए बहुत व्यापक कोर्स भी चलाएगी, बहुत न्यूनतम शुल्क में चलाएगी और सारी किताबें आपको अलग से ही देगी। ये तो मैं आपको उनके लिए बोल रहा हूं जो बच्चे कहीं पेट को से नहीं जुड़ना चाहते हैं, वो 12th की ऐसे कर सकते हैं। सीएसआईटी वालों को इनके लिए एक अलग से किताब, आपको क्या होना, ग्रेजुएशन वाली किताब को फॉलो करना पड़ेगा, लेकिन ग्रेजुएशन वाली किताब में सब कुछ नहीं पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कंप्यूटर साइंस में बहुत सारा था, उसमें अलग अलग लैंग्वेज के अलग अलग सेमेस्टर में थे। ये एक व्यापक कंप्यूटर साइंस पूछता है, बेसिक नॉलेज पूछता है, तो इसके लिए कोई स्पेशल किताब नहीं है। इसके लिए मैं सबसे बेस्ट जो बोलूंगा, इसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है, परीक्षा प्लस के कंप्यूटर का नोट्स है। और आप कहीं भी जाओगे, भटकोगे, फिर बाद में बच्चे पछताते आते हैं, कहते हैं सर मुझे परीक्षा प्लस के बारे में पहले नहीं पता चला, काश पहले पता चला होता। नो डाउट कि कंप्यूटर आईटी आपके लिए बेस्ट, परीक्षा प्लस से बेहतर कहीं नहीं मिलने वाला है, और ये पूरी किताब हम लोग इसमें सीएसआईटी में आपको देने वाले हैं, प्लस इसमें जो आपको क्लासेस देंगे वो तो देंगे ही। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन में हाँ, अगर आपने बीटेक किया है या डिप्लोमा किया है तो आपको पहला, दूसरा और तीसरा सेमेस्टर मदद कर सकता है, वहां पर आप चीजों को पढ़ सकते हो। ये सिलेबस आपका वैसे है जैसे आपका मॉस्फेट हो गया, पीएन जंक्शन हो गया, बीजेटी हो गया, ये सारी चीजें होती हैं, और वही आपका एंटीना हो गया, जो आपका एएम और मॉड्यूलेशन वाले पार्ट होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछता है, तो ये आप वहां से कवर कर सकते हो, लेकिन परेशान होने की जरूरत नहीं है। परीक्षा प्लस इसके लिए भी आपको नोट्स देगा। मैं आपको दिखा दूं कि जो परीक्षा प्लस किताबें इसके लिए निकाल रहा है वो आप देख सकते हो, ये सारी किताबें हैं, पार्ट वन पार्ट टू, ये नीचे पार्ट वन वाले मैथ्स रीजनिंग जीएस और इंग्लिश के लिए पार्ट वन के लिए, और पार्ट टू के लिए ईसी टेलीकम्युनिकेशन की अलग किताब, फिजिक्स के लिए अलग किताब, सीएसआईटी के लिए अलग किताब, टोटल 7 किताबें आपको इस कोर्स में दी जाएंगी। अभी मैं कोर्स के बारे में ज्यादा फोकस नहीं हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि आप लीक से हटो, जो मेरा उद्देश्य है आपको इन्फॉर्मेशन देना और एक चीज समझना कि ये एग्जाम बेहद आसान है, जो मैं अगले 5 मिनट में चर्चा करने वाला हूं। इसलिए मैं बोलता हूं बच्चों के, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि सबसे डीप, सबसे विद्वत और सबसे अच्छी तैयारी आपकी परीक्षा प्लस पे, और सबसे सटीक इन्फॉर्मेशन भी आपको यहीं पे मिलने वाली है। निगेटिव बच्चों 0.25 है, टोटल मार्क्स 200 है, एक क्वेश्चन एक नंबर का है, 2 घंटे का पेपर है, और यही कारण है 200 क्वेश्चन 2 घंटे में, यह बताता है कि पेपर का जो लेवल होगा वो इजी टू मॉडरेट होगा। 2 घंटे में अगर पेपर टफ कर देगा तो कोई बच्चा सॉल्व नहीं कर पाएगा। तो ये जो आपका पार्ट है, ये आपका ग्रेजुएशन वाले पार्ट से नहीं पूछेगा, 12th वाले स्टैंडर्ड से पूछेगा। बस कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों अपने आप में थोड़ा एक्सेप्शन है, इसमें आपको एक अलग से ही इंफॉर्मेशन, अलग से नॉलेज चाहिए, जो आपको एक ऐसा कंटेंट चाहिए जो 3 साल 4 साल बीटेक डिप्लोमा सबका कंसाइज मैटर आपके सामने रख दे, एक समरी रख दे। मतलब आपने पूरा जो बीटेक में पढ़ा है, आपने डिप्लोमा में पढ़ा है, 12th में पढ़ा है, उसकी समरी पूछता है, ना कि उसमें कोई टफ या कोई डीप कॉन्सेप्ट पूछता है। तो ये समरी के लिए ही ये पूरी किताब जो आपके लिए है वो बनाई गई है, और बहुत विद्वत तरीके से बनाई गई है।
आते हैं हम लोग इसका जो लास्ट डेट है, मैं आपको बता यहाँ पे लास्ट डेट जो है करेक्शन, लास्ट डेट 18 है और करेक्शन के लिए एक एक्स्ट्रा दिन दिया जाएगा वो 25/10/2022 को दिया जाएगा। पेपर दिसंबर माह में संभावित है, लेकिन मैं आपको बता दूं बच्चों कि इसका पेपर जो है वो जनवरी या फरवरी में जाएगा। दिसंबर में अगर करा लेते हैं तो वो बहुत अच्छी बात है, बट ऐसा है कि एक महीना और लेट जाएगा, मतलब आपके पास अक्टूबर महीना है, नवंबर महीना है, दिसंबर महीना, 3 महीना आप मान के चलो 90 दिन है, और 90 दिन में आपको 200 क्वेश्चन तैयार करने हैं, जिसके लिए बहुत ही डीप स्टडी आपको बहुत अच्छे से करनी पड़ेगी, बहुत कम समय में बहुत ही स्ट्रेटेजिक करनी पड़ेगी। पोस्टिंग मैंने आपको बता दिया है बच्चों, प्रमोशन क्या है, सबसे पहले क्या होगा, मेट्रोलॉजिस्ट बनेंगे, ए ग्रेड ए पे आएंगे, ये एएम सेकंड लेवल का होता है, मेट्रोलॉजिस्ट जो असिस्टेंट मेट्रोलॉजिस्ट बोल सकते हो, दूसरा मेट्रोलॉजिस्ट जो है वो बी आएंगे, एएम फर्स्ट कैटेगरी का आएगा, उसके बाद आप साइंटिफिक ऑफिसर 1-3 ग्रुप ए के होंगे, इनकी जो ग्रेड पे 6600-7700, तो 8700 ग्रेड पे आपकी सैलरी 1,00,000 से ज्यादा चली जाएगी, मतलब अब के आज अगर आप परीक्षा देते हो और सेलेक्ट हो जाते हो तो 15-20 साल बाद, मतलब जब आप अपने उम्र के किस पे, अगर कोई मैक्सिमम एज का 30 साल का बच्चा अपने 15वें, मतलब 45-47 साल के होगी, जब आपके ऊपर जिम्मेदारियां आएंगी, आपके बच्चों जब स्कूल में जाएंगे, तब आप कितना 1,00,000 रुपए, 1,00,000 रुपए मिनिमम सैलरी कमा रहे होगे, कितनी अच्छी बात है, और कितनी छोटी सी परीक्षा देके आप कहां पे पहुंच रहे हो, और टैग आपका ग्रुप ए का होगा, मतलब कि आप ये ग्रुप बी तो अभी नॉन गेस्टेड है, बट आप यहां पे ग्रुप ए के हो जाओगे प्रमोशन के बाद से, तो बहुत अच्छा प्रमोशन है, और प्रत्येक 3rd से 5वें वर्ष में इसमें प्रमोशन अच्छा हो जाता है, ये मैं आपको पहले से बता दे रहा हूं। कट ऑफ की बात करते हैं, पिछली बार बच्चों तो कट ऑफ बहुत कम गई थी, 138 नंबर आउट ऑफ 200 में से गई थी, और ये बहुत कम है, मुश्किल से देखा जाए तो 70% पिछली बार कट ऑफ गई थी। अगर हम 5 साल में बढ़ते हुए कंपटीशन को यहाँ पे कंसीडर करें, पेपर के लेवल को कंसीडर करें, इजी पेपर होगा, क्योंकि पेपर क्या होगा मैं आपको बता दूं, इजी टू मॉडरेट लेवल का होगा, कंपटीशन का स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा, ठीक है, कंपटीशन का स्तर थोड़ा सा बढ़ेगा इस बार, और रिसोर्सेज भी क्योंकि इस समय बहुत ज्यादा हैं, बहुत सारे, तब उतना ऑनलाइन का जमाना नहीं था, अब बहुत सारे रिसोर्सेस ऑनलाइन आपको मिल जाते हैं, तो ये सब नंबर को क्या करते हैं, कट ऑफ को बढ़ा देते हैं, लेकिन फिर भी 145 नंबर 200 में से सेफ स्कोर होगा क्या फाइनल सिलेक्शन के लिए, मैं बता रहा हूँ, और अगर आप 150 ले आते हो 200 में से तो डैम श्योर है कि आप क्या हो जाओगे, सेलेक्ट हो जाओगे, आप 45,000 जो पहली सैलरी होगी वो 45,000 प्लस पहली सैलरी इन हैंड सैलरी आपको ये बनेगी, तो कितना आसान है, आप तैयारी क्या कर रहे हो, आप देखो बहुत सिंपल सी बात है बच्चों जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ ये मैं आपको कट ऑफ दिखा दूँ, ये कट ऑफ ऐसा नहीं कि मैं हवा हवाई बता रहा हूँ, ये आप देख सकते हो, ये SSC का ही क्या है, 31 2018 का है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ साइंस, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट से है, SSC के थ्रू आया था, और ये आप देख सकते हो कि SC का जो कट ऑफ गया था, एक यहाँ पे 31 10 18 का साइन भी है, SC का कट ऑफ 114 नंबर गया था, ST का 101 नंबर ही गया था, मतलब 50% आप केवल बोल सकते हो, OBC 128 गया था, OH जो था वो 91 गया था, और अनरिजर्व 138 गया था, तो बहुत ही कम कट ऑफ जाता है, ठीक है, इसके बारे में अगर हम चर्चा करें, मैं ये कह रहा था कि बच्चों की आपकी अगर देखा जाए तो मैथ्स आप पढ़ ही रहे हो कहीं ना कहीं पे, रीजनिंग आप पढ़ रहे हो, चाहे आप राज्य स्तरीय हो, चाहे आप कहीं पे हो, इवन अगर आप फ्रेशर हो तब भी मैं बता दूं ये आप अच्छे से कवर कर सकते हो, GS आप पढ़ ही रहे हो, इंग्लिश आप पढ़ ही रहे हो, बहुत सारी कोर्स में आप पढ़े हो, इसके अलावा आपका क्या बचता है, फिजिक्स, ये जो फिजिक्स है ये ऑलरेडी साइंस में आप 90% कवर कर चुके हो, 10% केवल कवर करना है। CSIT वालों को बता दूं कि अगर आप UP में ASI परीक्षा दिए हो, या फिर आप RO ARO दिए हो, किसका, अलाहाबाद हाई कोर्ट का, या फिर आप अभी JCA का पेपर दे के आए हो सुप्रीम कोर्ट का, या फिर आप कंप्यूटर ऑपरेटर का पेपर देने जा रहे हो, अगर आप इनमें से किसी की भी एक तैयारी किए हो तो आपको 90% आपका पहले ही तैयार है, यहाँ पे भी केवल आपको 10% एक्स्ट्रा एफर्ट पुट करना है। इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को, ECE और टेली कम्युनिकेशन वालों को केवल क्या है, अलग से मेहनत करनी पड़ेगी, इनको पूरा पढ़ना पड़ेगा क्योंकि ये इधर कहीं नहीं पढ़े होते हैं, थोड़ा बहुत फिजिक्स वाला पार्ट आपका मिल जाता है, तो बाकी अगर और मैक्सिमम बच्चे ये वाले होंगे, है ना, अगर मैं बात करूं तो जो मैक्सिमम बच्चे फिजिक्स वाले मिलेंगे, उसके बाद CSIT वाले मिलेंगे, ECE और टेली कम्युनिकेशन के थोड़े कम मिलते हैं, बच्चे कम फॉर्म भरेंगे तो आपका कंपटीशन भी कम होगा, मैं आपको पहले ये बता दे रहा हूँ। बाकी ये किताबें हैं, मैं इतना आपको इन्फॉर्म कर दूं बच्चों यहीं पे कि टीम परीक्षा प्लस इसके लिए बहुत ही व्यापक
कोर्स लेके आ रही है, बहुत ही जबरदस्त कोर्स है। और ये आपको ये 3000 का कोर्स, मैं इतना बता दूं 3000 का कोर्स है, लेकिन अभी इनिशियली में आप सबको ये केवल 699 में अवेलेबल कराया जा रहा है। आप ये पूछोगे सर कहाँ से खरीदना है, तो आपको ये क्या करो, गूगल प्ले स्टोर पे जाओ और परीक्षा प्लस ऐप, परीक्षा प्लस ऐप आप इंस्टॉल कर लो। परीक्षा प्लस का सिंपल ऐसे यहाँ पे प्लस लगा होगा और हिंदी में परीक्षा लिखा होगा, ऐसा परीक्षा प्लस का सिंबल है। ये आप ऐप इंस्टॉल कर लो, परीक्षा प्लस ऐप, और यहां से आप 599 में क्या कर सकते हो, कोर्स से जुड़ सकते हो। कोर्स में बच्चों मैं आपको बता दूं कि पार्ट ए प्लस पार्ट वन प्लस पार्ट टू, ये दोनों ही समग्र रूप से करवाया जा रहा है। हाँ, पार्ट वन में आपको डिटेल्ड पूरा पूरा कंप्रेहेंसिव वे में कराया जाएगा। पार्ट टू में क्योंकि ये 100 क्वेश्चन का है केवल और समय कम है, इसलिए सारी डिटेल्ड वीडियो तो नहीं कर सकते हैं क्योंकि बहुत लंबा सिलेबस हो जाएगा। तो इसमें वीओडी प्लस लाइव क्लासेस आपको दी जाएंगी जो पूरे संपूर्ण सिलेबस को कवर कर रहा होगा। और सबसे बड़ी बात है कि इसमें एमसीक्यू के माध्यम से, क्योंकि सबसे ज्यादा फायदा आपको यही करने वाला है, एमसीक्यू के माध्यम से आपका पूरा प्रैक्टिस करवाया जाएगा। और आपको 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, 10 टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है जो शायद कोई नहीं उपलब्ध करवा पाता, वो आपको होंगे। इस पूरे कोर्स में आपको जो पढ़ाने वाले होंगे, मैं हूंगा आपको पढ़ाने वाले, आशीष सर होंगे, अनुज सर होंगे और भी अन्य फैकल्टी होंगे, सारे ही बीटेक एमटेक की फैकल्टी हैं, सभी लोग चयनित और सभी लोग अच्छे उससे हैं। तो आप अगर मुझसे पढ़े होगे तो जानते ही होगे, आशीष सर का कंप्यूटर आप जानते होगे, बताने की बात ही नहीं है। अब आपसे बेहतर शायद कोई नहीं बता पाएगा कि आशीष सर कंप्यूटर कितना अच्छा पढ़ा सकते हैं। बाकी सारे ही टॉपिक हम लोग बहुत अच्छे से कवर करते चलेंगे। इसमें सारी संपूर्ण जानकारी आपको इस चैनल पे तो दी ही जा रही है। हमारा एक नया चैनल परीक्षा प्लस टेक है, जो हम परीक्षा प्लस टेक पे सारी चीज संपूर्ण कराएंगे, वो मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। परीक्षा प्लस एक हमारा नया चैनल है, परीक्षा प्लस टेक, और इसमें हम लोग आईटीआई एग्जाम से लेके, आईटीआई जैसे आप देखे होंगे यूपीपीसीएल में अभी आया हुआ है, ऐसे ही आपका जो एक्सरे प्राविधिक का है, या फिर आपका लैब टेक्नीशियन यूपीटी प्लससी से आता है, या फिर और भी बहुत सारे पद आते हैं आपके आईटीआई वाले, उनसे होगा बोरिंग टेक्नीशियन, इन सबका सारे के सारे जितने भी आईटीआई वाले हैं इनसे स्टार्ट किया जा रहा है। आईटीआई हो गया, ये आपका एसएससी आईएमडी का यहाँ पे बैच चल रहा है, डीआरडीओ में आ रही है वैकेंसी, इसका बैच चलेगा, ये सारे के सारे, कई सारे निःशुल्क, कई सारे इसमें मैक्सिमम तो आपको फ्री मिलेंगे, कुछ आपको पेड मिलेंगे, तो मैक्सिमम चीजें आपको ये परीक्षा प्लस टेक चैनल से मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक दी हुई है, उसे आप चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहां पे दी जाएगी। चलिए आज के सेशन में इतना ही, उम्मीद है आपको मैंने मैक्सिमम सारी जानकारी जो आपको एसएससी आईएमडी से चाहिए थी शुरुआत से लेकर और तैयारी तक, कट ऑफ तक मैंने सारी चीजें बता दी है। यदि आप चैनल पर नए हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत विधिवत तैयारी हम लोग आपके लिए लेके आ रहे हैं और सब कुछ बहुत विधिवत तरीके से। देखो एक बात मैं बोलूंगा कि यहां पर अगर आप जाते जाते इतनी बात सुन लो, बहुत सारी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो हाँ बोलेंगी, बहुत सारे पब्लिशर होंगे, हाँ मैंने इसकी किताब निकाल दी, उसकी किताब निकाल दी, बट बच्चों पब्लिकेशन में क्या होता है, केवल वो देखते हैं कि एग्जाम आ गया, सीधा कॉपी पेस्ट कर देते हैं। मैं आपसे पहले ही बोल रहा हूँ कि ये सारे ही नोट्स मैं आपको एक बैग नहीं दूंगा, क्योंकि ये 5 साल बाद हो रहा है और इसका कोई भी कंटेंट ऐसा नहीं है कि ये पहले से तैयार है, सब कुछ रिसर्च किया जाएगा। हाँ, ये पार्ट ए वाला कंटेंट आपका पहले से ही रेडी है, ये दे दिया जाएगा। पार्ट बी वाला जो आपका टेक्निकल वाला पार्ट है, इसका कंटेंट जैसे जैसे क्लास होगी वैसे वैसे आपको क्या किया जाएगा, नोट्स दिया जाएगा, और बहुत विधिवत नोट्स दिया जाएगा, प्रिंटेड क्वालिटी का दिया जाएगा कि आप उसे प्रिंट करवाइए और आप उसे पढ़ते रहिए और आप अपना सिलेक्शन ले लीजिए। मात्र केवल आपको 75% पे फोकस करना है और आपका चयन हो जाएगा। तैयारी कैसे करनी है इन सबकी संपूर्ण जानकारी के लिए मैं अलग से वीडियो लेके आऊंगा। यदि आपके कोई प्रश्न रह जाते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हो। फिर मिलेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार।